राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया होगा और जरूर मेरे ठाकुर जी की कृपा आप पर हुई होगी। इसी आशा के साथ आज आपके एक्स्ट्रो आपके सलाहकार आपके लिए फिर से कुछ अचूक और अनोखे चमत्कारी सटीक उपाय लेकर आई है। अमावस्या, अमावस्या जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हमारे पितरों का आशीर्वाद के लिए, हमारे पितरों को दान देने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए हम अमावस पर उनके नाम का दान तर्पण वगैरह करते हैं। तो इसी से जुड़े हुए कुछ उपाय आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी खुशियों के लिए आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार लेकर आई है। उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए ताकि आप पर आपके बड़ों का आपके पितरों का आशीर्वाद बरसे। अगर शनि ग्रह की वजह से, सार शक्ति की वजह से या शनि ग्रह की वजह से कुछ परेशानियां आ रही हो जीवन में या शनि ग्रह आपको क्रूर प्रभाव दे रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको कुछ अचूक उपाय अमावस वाले दिन करने हैं जिससे आपको शनि ग्रह भी शांत होंगे और आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अमावस वाले दिन आपको एक तो पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पित करना है, तिल डालकर अर्पित कीजिए और कुछ मीठा पीपल के पेड़ के आगे रख के आजिए सुबह और संध्या समय आपको तिल के तेल का दीपक वहाँ पे जगाना है और उनके आगे खड़े होकर आशीर्वाद लेना है, प्रार्थना करनी है, हे मेरे बड़ों, हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरे पितरों, मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करें और शनिदेव महाराज जाने जाने कोई मुझसे गलती हुई हो या आप पर जो क्रूर प्रभाव मेरे ऊपर है उसे आप शांत कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हे पितरों, मुझे जो परेशानी है आपकी जीवन में, किसी तरह की भी कोई परेशानी, उस परेशानी को बोलिए और उसमें उनको कहिए कि उसमें आपको रिलीफ मिले, शांति मिले। इस तरह से आपको ये उपाय करना है और सरसों के तेल पे मीठे पुए बनाकर, सरसों के तेल से मीठे पुए बनाकर आपको गरीबों में बांटने हैं अमावस वाले दिन। इससे भी जो शनि देव का प्रकोप है वह शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप जितना भी दान देते हैं, जितना भी दान धर्म पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको दोगुना से भी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से आप दान दीजिए। पीपल के वृक्ष की तो पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अमावस वाले दिन, उसकी पूजा अर्चना वगैरह आप कीजिए जिससे आपके सारे ग्रह भी शांत होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। अगर अमावस पर अगर आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा, लाभ जतन करने के बावजूद भी आपका दुर्भाग्य हर जगह आपके काम में आड़े आता है या कोई भी आप व्यापार करते हैं या घर में सुख शांति किसी तरह का भी कोई कार्य करने जाते हैं और उसमें रुकावट आ जाती है, तो इसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, अमावस वाले दिन अगर आप भागवत गीता के 7वें अध्याय का जाप करते हैं तो उससे आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। जैसे कई बार आकस्मिक मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से या किसी तरह से भी जिसे आप जानते नहीं है, कोई आपके पितर होते हैं अतृप्त होते हैं, वे अशांत रहते हैं, उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती या किसी तरह से भी उनको परेशानी होती है या पितृ शांति नहीं हो पाती किसी तरह से, पर आप उनसे अनजान होते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये दुख भोगने पड़ते हैं जिनसे हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, पर आप इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अमावस वाले दिन भगवद गीता के 7वें अध्याय का जाप कीजिए और यही प्रार्थना कीजिए भगवान श्री हरि के आगे कि हे श्री हरि, ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे बड़ों को समर्पित है, जो भी अतृप्त आत्माएं हैं या जो मुक्ति नहीं हुई है, जिनको किसी तरह की भी कोई मेरे पितृ दोष है या किसी तरह की भी मेरे को परेशानी है, उसे मुक्ति दिलाओ और मेरे पितरों को ये समर्पित है, उन्हें मुक्ति दिलाकर अपने श्री चरणों में वास दीजिए। बस आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है, इससे आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और श्री हरि विष्णु भगवान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। बस ये आप जरूर कीजिए, जिस वक्त आप ये पाठ कर रहे हो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए ताकि ये पाठ आपके पितरों को समर्पित है तो उनको ये इसका फल प्राप्त हो।
इससे आपको अगर पितृ दोष भी है या पितृ ऋण की भी परेशानी है, किसी तरह का भी आपको परेशानी आ रही है पितरों की वजह से या पितृ दोष की वजह से, तो वो आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमें कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, काफ़ी दवाई वगैरह से भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा और समझ नहीं आ रहा कि उनकी दवा क्यों नहीं लग रही है, या वो दिन ब दिन अगर इलाज के बावजूद भी वो बीमार काफ़ी रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको क्या करना है, अमावस वाले दिन जो व्यक्ति बीमार है या जो व्यक्ति किसी वजह से ठीक नहीं रहता, स्वस्थ नहीं रहता, उसके तकिए के नीचे आपको एक सिक्का रखना है और वह सिक्का अगले दिन आपको जाकर किसी सुनसान जगह पर जाके दबा आना है। बस इतना सही उपाय है, वह व्यक्ति दिन ब दिन स्वस्थ भी होता जाएगा और दवाई का असर भी उन पर होगा और जो इतने लंबे समय से वे बीमार से जूझ रहे थे उसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा। इतना सा उपाय कीजिए और फिर देखिए अमावस पे आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा और श्री हरि विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप रोजाना दक्षिण दिशा की तरफ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार या एक माला का जाप करके अपने पितरों को समर्पित भी करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। अगर रोजाना आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप अमावस वाले दिन इतना जरूर कीजिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसकी एक माला और सर्वभ्यम पितृभ्यम नमो नमः इसका 11 बार जाप कीजिए। ये आपके पितरों के लिए है, कोई भी आपके पितर हैं जिनका आपको नहीं मालूम किस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी या पितृ दोष है या किस तरह की भी परेशानी है आपकी, आप अपनी तरफ से तो पूरा नियम धर्म करें। हो सकता है कि पहले या पिछले जन्म से आपको कोई इस तरह से पितृ दोष लगा हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सिर्फ इतना सा उपाय कीजिए, फिर अपनी ज़िंदगी में खुद आप चमत्कार देखिए कि आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह की जानकारी लेकर, इसी तरह के उपाय लेकर मैं आपके लिए आती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार रहें। बड़ों का और भगवान श्री हरि का विष्णु का आशीर्वाद आपका सदा बना रहे। इसी आशा के साथ आपकी एक्स्ट्रो आज आपसे विदा लेती है और अपनी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स फैमिली सब इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज आपकी एक्स्ट्रो आपके साथ आपसे विदा लेती है। राधे राधे।